हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, आज मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं कर रही, बल्कि मैं थोड़ा फ्री बैठी थी तो मैंने बस ऐसे ही वीडियो बना लिया, बना रही हूँ। मुझे अपना कुछ जब से जर्नी स्टार्ट हुई थी उसकी कुछ यादें आ रही हैं, तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बनाया जाए। देखिए दोस्तों, जब ये ट्विन फ्लेम जर्नी हम लोगों को मिलती है, वो जो फेस स्टार्ट होता है, जो सिचुएशन बनती है, जब ये जर्नी स्टार्ट होती है, तो मुझे उस टाइम को याद करके ना अभी इस टाइम मुझे हंसी आ रही है। हंसी इस किस बात की आ रही है? हंसी मुझे इस बात की आ रही है कि उस टाइम भगवान हमारे बारे में क्या सोचते होंगे जब हम ऐसे सेपरेशन पीरियड में से निकल रहे होते हैं, तो हमें तो और कुछ नज़र ही नहीं आता, बस वो रोना धोना, वो ये सब चल रहा होता है हमारा। तो भगवान ऊपर बैठे सोच रहे होते होंगे कि देखो भाई, मैं इनको हाई लेवल पर लेके जाना चाहता हूँ, मैं मतलब इनको जिसके पीछे दुनिया मतलब भाग रही है शांति के लिए या मोक्ष के लिए, तो मैं इनको खुद इनको देना चाहता हूँ ये सब, और ये रो रहे हैं। क्या है ये मेरे बंदे? वो भी ऊपर बैठे यही सोच रहे होंगे, क्या है ये मेरे बंदे जो मैंने जिनको चुनकर नीचे भेजा है, ये कर क्या रहे हैं? मैंने इनको किस लिए भेजा और ये कर क्या रहे हैं? तो ये बातें सोच सोच के ना मुझे हंसी आती है। मतलब ये मैं कर क्या रही थी तब। चलिए खैर, निकल गया वो टाइम जो था, अच्छा निकल गया। अब तो मैं अच्छा ही बोलूँगी क्योंकि अब वो पीरियड निकल गया मेरी लाइफ से। देखिए दोस्तों, ये जो सेपरेशन पीरियड होता है ना, तो इसमें ये सब जो आप फेस कर रहे हो ना, ये एक नेचुरल सी बात है, ये एक प्रोसेस है इसमें से निकलने का। यानी कि हम लोगों ने ये उससे निकलेंगे तभी हम रोशनी की तरफ जाएंगे। आप मान लीजिए, आप DF या अपनी DM के लिए ना इतना वरी मत होइए, क्योंकि देखिए जब हम अंधेरे में से निकलते हैं ना तो आगे रोशनी तो मिलेगी ना। तो आप ये सोच कर चलिए कि इस टाइम हमारा डार्क पीरियड चल रहा है, तो हमने उसमें से निकलना है, तो हमें रोशनी मिलेगी क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं, हमारे एंजल्स हमारे साथ हैं। अब देखिए, अगर वो हमें सेपरेशन पीरियड ना दे तो हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए भगवान ने हमें नीचे भेजा है, उस काम के लिए हम अवेयर कैसे होंगे? हमको कैसे पता चलेगा कि हम किस लिए नीचे आए हैं? तो वो सेपरेशन पीरियड ना इसी चीज़ के लिए है, हमें अपने आप को अवेकन करने के लिए, अपने लिए कि हम अवेकन हों कि हम किस लिए आए हैं नीचे धरती पर। तो हम क्या कर रहे होते हैं? मेरा DM, मेरा DF, हम ऐसे कर रहे होते हैं, जबकि भगवान कहता है अरे भाई, वो तो तेरा ही हिस्सा है, तू उसी के लिए क्यों रो रहा है? अब मान लीजिए मेरी बॉडी है, अब भगवान ने मेरे साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट हम भगवान के साथ करके आए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वो मेरे आधे हिस्से से तो नहीं करेंगे ना कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कहते हैं कि हम शिव शक्ति का अंश हैं, तो हाफ हमारा DM है, हाफ हमारी जो सोल है वो DF है। तो भगवान अब अपने शरीर पे लगा के देखो, मान लीजिए अब मेरे दो टुकड़े कर दो, और भगवान मेरे से आधी को थोड़ी ना बोलेंगे कि तू ये काम तू कर, मेरी पूरी पूरी बॉडी को ही बोलेंगे ना। तो जब वो हमारा आधा हिस्सा वो है, तो उसको भी तो वही काम करना है। तो भगवान हम लोगों को, हमारी पहचान करवाने के लिए हम लोगों को अलग करते हैं। भगवान क्या करते हैं, मान लीजिए भगवान हमारे टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, तो भगवान क्या करते हैं, अभी ये दोनों बंदे ना अब इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे मेरा, तो भगवान क्या करते हैं, इन दोनों को ना, अपने दोनों स्टूडेंट को ना अलग अलग कर देते हैं, DF को और DM को, और दोनों को बोलते हैं अभी अपना अपना होमवर्क करो जो मैंने दिया है। तो जो DF है तो और DM तो अपना बेस्ट देता है, क्योंकि उसको भगवान ने सेपरेशन पीरियड में उसको अलग काम दे दिया कि भाई तू ये तेरी गर्लफ्रेंड्स हैं इनके साथ तू मस्ती कर, उसमें वो बेस्ट देता है फिर अपना जो उसको होमवर्क मिला, वो भगवान ही देते हैं, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहा होता, तो वो उसमें अपना बेस्ट देता है। तो हमें जो भगवान ने हमें अवेकन होने के लिए इस रूम में अलग रूम में डाल दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें तांग छांग कर रहे हैं कि वो साथ वाले रूम में क्या कर रहा है, DM साथ वाले रूम में क्या कर रहा है। तो इट मीन्स वो अपना बेस्ट दे रहा है, हम अपना बेस्ट नहीं दे रहे, हम तांग छांग कर रहे हैं। तो ये नहीं करना, मीन्स कि हमें अपने कमरे में बैठकर अपना स्टडी वर्क करना है, हमारा हम अपना होमवर्क करना है जो भगवान हमें दे रहे हैं, तो भगवान को भी पता है। तो फिर क्या होता है, जब हम चलो थोड़ा सा थोड़ा वर्क करते हैं, हमें थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी आने लग जाती है, तो फिर से हम उसको साथ वाले रूम में देखते हैं कि वो कर क्या रहा है।
देखिए वो क्या कर रहा है। तो क्या इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर की जो थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी हमें भगवान देते हैं, हमें थोड़ा जा रिलैक्स करते हैं, शांति देते हैं, तो वो हम जब वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं तो हम उसकी ताक झांक में ही वो पॉजिटिव एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। तो वो क्या करता है डीएम या डीएफ, वो आपकी जो एनर्जी है वो सक करता है और प्रसाद के तौर पर वो अपने जो अदर उसके साथ जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है उसको सेंड कर देता है। वो आप खाली हो जाते हो और फिर से वही रोने धोने में पड़ जाते हो फिर। तो इसलिए हमें उसको देखना ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, उसको छोड़ दीजिए, उसको बोल तू अपना होमवर्क कर, मैं अपना होमवर्क करूँगी। तो ये है जर्नी। और जब आप अपना होमवर्क कर लेते हो फिर भगवान देखते हैं कि इसने तो अपना होमवर्क बड़े अच्छे से किया, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट होगी, ये तो बड़ी अच्छी हो गई। तो फिर क्या करते हैं वो दूसरे रूम से ना वो डीएम को या डीएफ को निकाल के आप आपके रूम में ला के देते हैं और फिर आपको बोलते हैं कि भाई अब तू स्टूडेंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गया, अब तू इसको भी टीच कर, इसको भी समझाओ और इसको भी सिखा। जब उस वो भी सीख जाता है तो फिर वो दोनों क्या, फिर भगवान क्या करते हैं फिर बोलते हैं कि ठीक है अब तुम दोनों बिल्कुल ट्रेंड हो गए हो, जो मैंने बोला था आपने होमवर्क बड़े अच्छे तरीके से किया, तो अब आपने क्या करना है अब दूसरे स्टूडेंट को सिखाओ। तो ये है जर्नी। तो बड़े आज मैंने बड़े मुझे ये अच्छा लगा बोलना तो मैंने ये बोला। तो आप इसको समझो, पॉजिटिव रहो यार, खेलो कूदो नाचो गाओ इंजॉय करो इस जर्नी को। हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हमने तो ऐसा टाइम वेस्ट किया रो रो के, तो हम आपको किस लिए गाइड कर रहे हैं, हम इसीलिए कह रहे हैं कि आप ऐसा मत कीजिए। ये जो सिचुएशन है ये सबके साथ ही आनी है, सबको ही फेस करनी पड़ेगी जो स्टूडेंट फिल्म जर्नी से निकलेंगे। तो हमारे हमारे जो वीडियो बनाने का मतलब भी यही है कि आप लोग अवेयर होएं कि भी हाँ भी इसमें इसमें क्या होता है, क्या करना है, किस चीज़ से हमें संभलना है, क्या चीज़ है जिसको हमने रोकना है। ठीक है, तो ये वजह है जो इतने सारे लोग हैं जो स्क्रीन फिल्म जर्नी से निकल चुके हैं वो वीडियो क्यों बना रहे हैं, वो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनकी अभी जर्नी स्टार्ट है या कुछ स्टेप आगे ऊपर उस स्टेप पे 2 स्टेप आगे हैं या 3 स्टेप आगे हैं, जो 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 भी सिचुएशन में है कि उनको पता रहे कि ये सिचुएशंस आती हैं। तो आपने उस सिचुएशन में हमारे साथ ऐसे हुआ तो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे आप मत करो, आप इसको इंजॉय करो। ठीक है, तो ये मतलब है हम लोगों का वीडियो बनाने का, हम लोग क्यों इतने अभी। और जो डीएम है ना वो इतना बुरा नहीं हो जितना आप समझ रहे हो, वो भी बेचारा कुछ नहीं कर रहा, वो अभी आपकी जर्नी में आपका साथ ही दे रहा है, वो अपने कर्मस आपके पास आने के लिए ही अपने कर्मस क्लियर कर रहा है वो। तो उसको आप बुरा मत बोलिए या बुरा मत सोचिए, वो आप ही हो। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उसको अपने अंदर से प्यार दीजिए, उसको भी डीएम को, डीएम है या डीएफ है जो भी है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। जैसे आप जैसे आपको भगवान ने जर्नी दी है ना, उसको भी वो फेज जो वो पीरियड उसको भी भगवान ने ही दिया है, आप उसको वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, पॉजिटिव सोचना है इस जर्नी के बारे में। अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, जैसे आप अपने रूटीन में करते हो वो, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी पिए, अच्छी डाइट लीजिए, अपना अपने आप को तंदुरुस्त रखिए, जिम जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, नाचिए गाइए, जिसमें आपकी हॉबीज़ हैं वो कीजिए काम, अपने आप को बिज़ी रखिए और साथ में अपना इनर वर्क करते रहिए। ठीक है, मेरी तो बस इतनी ही गुजारिश है आप सबसे, आप इस जर्नी को पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव तरीके से सोचिए, पॉजिटिव चलिए। ठीक है, ओके, इतना ही बोलूँगी बस, और तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के लिए। इतनी मतलब जर्नी हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं, ये इतनी बड़ी जर्नी है नहीं। उसके बाद तो हमने अपने सोल जो अपना सोल मिशन है उस पर हम लग जाते हैं, जब हमको पूरी समझ आ जाती है तो हम अपना सोल मिशन करना, सोल वर्क जो हम कॉन्ट्रैक्ट करके हुए हैं वो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, ध्यान रखिए, खुश रहिए अपनी लाइफ में, खुश। ठीक है, हम भगवान से जुड़े हैं, किसी और से नहीं जुड़े, ये कोई इतनी बड़ी हुआ वाली जर्नी नहीं है, खुशी वाली जर्नी है जिसको भगवान ने हमारे साथ जोड़ दिया। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, खुश रहिए।